जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान, केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जनवरी 1 वीक का 2020 का करंट अफेयर्स है। तो ये मैंने, जैसे मैं डेली करंट अफेयर 1 मिनट में प्रोवाइड कराता हूँ, उसी के लिए मैंने रिविजन सीरीज ये स्टार्ट की है। ठीक है, ये पूरे वीक का करंट अफेयर मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, और वहाँ पे मैं डिटेल्स में नहीं करवा पाता, तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय राज और वरुण शर्मा बने इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसिडर। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना इनफ है। विजय राज और वरुण शर्मा नए इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसिडर बन गए, और इजी माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है, टूरिज्म कंपनी है। ठीक, चलिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने कैरी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी, और सारे टेस्ट मैच के सारे फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज शर्मा बने मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत। ठीक, ये क्या है, ये पंकज शर्मा भारत के अगले नए राजदूत होंगे, कहाँ पर, मैक्सिको में। दूसरा, ये नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले यहाँ पे राजदूत रह चुके हैं, और ये वर्तमान में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के भी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जनेवा में स्थायी प्रतिनिधित्व भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएस पठानिया बने भारतीय तटरक्षा बल के प्रमुख। ठीक है, भारतीय तटरक्षा बल के प्रमुख बन गए, और ये कौन से प्रमुख बने हैं, तो 24वें प्रमुख बने हैं ये। ठीक है, इतना इनफ है यहाँ जानने के लिए, आगे इतना और डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बना ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य। ठीक है, ये फोर्थ सदस्य बन गया है, तो ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना देश का मिस्र बन गया है। तो ब्रिक्स जो है, डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है, जिसमें ब्राजील, रूस, चाइना, ठीक है, ब्राजील, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ठीक, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये शंघाई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, तो मार्कोस प्रोडो ट्रायोजो है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ऋषभ पंत बने 100 टेस्ट विकेट लेने वाले प्रथम विकेट कीपर, भारतीय कीपर बन गए। ठीक है, तो ये इससे पहले कौन थे, ये महेंद्र सिंह धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी ने 36 मैचों में लिए थे 100 विकेट, और इन्होंने कितने मैचों में लिए हैं, तो इन्होंने 26 मैचों में, टेस्ट मैचों में इन्होंने हासिल किए हैं 100 विकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विनीत कुमार गोयल बने कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त। ठीक है, तो विनीत कुमार गोयल क्या है, कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त बन गए, और किन की जगह लिए इन्होंने, तो राजीव कुमार की जगह ली, और राजीव कुमार को कहाँ लगा दिया गया, तो शारदा चिटफंड घोटाले की जाँच में गड़बड़ी के मामले में को सुलझाने के लिए इन्हें महानिदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा गुरुनाथ की बात करें, तो रूपा गुरुनाथ ने दिया तमिलनाडु, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो रूपा गुरुनाथ क्या ने इस्तीफा दिया है तमिलनाडु क्रिकेट बोर्ड से, राज्य क्रिकेट बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से रूपा गुरुनाथ ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी है। ठीक है, और ये टीएनसीए की अध्यक्ष भी है। ठीक है, और ये महिला जो राज्य क्रिकेट संघ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक, तो पहली महिला थी ये जो किसी राज्य क्रिकेट संघ की प्रमुख बनने वाली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार त्रिपाठी की बात करें, तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए, सीईओ बन गए। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के पद पर विनय कुमार को त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। चलिए, और इन्होंने किसकी, इन किन की जगह लिए, तो ये सुनीत शर्मा की जगह लिए इन्होंने। ठीक है, और इससे पहले ये क्या थे, तो रेलवे उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक, चलिए। रूस ने जीता, एकातेरिना रेनगोल्ड ने ITF टेनिस में महिला एकल खिताब। ठीक है, रूस देश की एकातेरिना रेनगोल्ड ने ITF टेनिस में महिला एकल खिताब जीत लिया, जिसमें इन्होंने महिला टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नेफिया लातविया को 6-4, 2-4 और 6-4 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। ठीक है, और एमा राधुकानु के बने मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इंग्लैंड की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी एमा राधुकानु को ब्रिटेन की महारानी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया है। ठीक है, एमा राधुकानु को फाइनल में कनाडा की लेला फर्नांडीज को हरा कर 53 साल में खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनने का गौरव दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल हाई कोर्ट बनी, हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है केरल हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें ये पेपरलेस काम होंगे सारे, ई फाइलिंग पर इसमें जोड़ दिया जाएगा, सारे ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट सारे स्कैन वगैरह होके वही दिया जाएंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें जितने पेपर्स होते थे, हम लोग कोर्ट्स में पेपर सबमिट करते हैं, कोर्ट में पेपर्स की ही मतलब इतने पेपर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो
जिससे वकीलों को बहुत समस्याएं होने लगती हैं, तो इसीलिए ये नया एक स्टार्ट किया है ई फाइलिंग का, सारे पेपर्स जो है ऑनलाइन होंगे। ठीक है, संजय कुमार सिंह बने इस्पात मंत्रालय में सचिव बन गए हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय ने सचिव पद पर संभाल सचिव पद पर संभाला। ठीक है, चलिए। टोनी ब्लेयर, डचेस ऑफ कार्निवाल और बैरोनेस अमोस बने ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य। ठीक है, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और डच ऑफ कार्निवाल और बैरोनेस आमोस को ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द गार्टर इंग्लैंड के सबसे पुराना वरिष्ठ शिष्टाक्रम है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति वहां की रानी के द्वारा की जाती है। चलिए आगे। ठीक है, फ्रांस में पाया गया है कोविड-19 का नया वेरियंट IHU। ठीक है, तो फ्रांस के वैज्ञानिकों के तौर पर देश में कोविड-19 नए वेरियंट IHU होने की पुष्टि की गई है। IHU नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के तुलना में इससे ज्यादा म्यूटेंट्स हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन हो सकता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, B16402। ठीक है, जिसका पता मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन ने लगाया है। चलिए, और फ्रांस की राजधानी क्या है, बता दें, पेरिस है, और इसके प्रधानमंत्री एम्यूनल मैक्रोन है। भारत करेगा अभ्यास मेलन 2022 ठीक है, की मेजबानी, और ये कहाँ पर होगा, ये विशाखापट्टनम में होगा। और मिलन में कौन लोग लेते हैं, तो जितने भी हमारे मित्र देश होते हैं, आई थिंक अब इस टाइम पे जो है 46 देश इसमें आमंत्रित किए गए हैं, तो ये सब लोग क्या करेंगे, विशाखापट्टनम में अभ्यास करेंगे। ठीक है, नौसेना अभ्यास करेंगे। चलिए, ये कौन सा संस्करण है, तो ये 11वां संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, और पहला अभ्यास कहाँ पे, कौन से उसमें हुआ, तो 1995 में शुरू किया गया था, जिसे विभिन्न देशों ने नौसेना के साथ अभ्यास किया था। ठीक है, सोमा शंकर प्रसाद बने यूको बैंक के नए MD और CEO बन गए। यूको बैंक के नए MD और CEO के रूप में सोमा शंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है, जो कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए, सोमा शंकर 1985 के परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं, जिन्हें बैंकिंग उद्योग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव हो चुका है। ठीक है, और ये 2013 में से अक्टूबर 2014 तक SBI पेंशन फंड के प्रबंधक निदेशक के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल्स रॉय ने बनाया है विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस के बारे में सुना था, लेकिन अब क्या है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन भी बना दिया गया है। ठीक है, रॉयल्स रॉय कंपनी ने इलेक्ट्रिक ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक वाहन घोषित किया है, जिसे टॉप स्पीड 3 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा दूरी पर 555.9 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ठीक है, चलिए, इस क्राफ्ट ने सीमेंस के एयरक्राफ्ट X-330LE एरोबैटिक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ठीक है, जिसे साल 2017 में 231.04 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया गया था। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट ने 202 सेकंड का समय लेते हुए सबसे कम समय में 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ठीक, अलका मित्तल बनी है ONGC की पहली महिला CMD बन गई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक पद पर अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि ONGC के पद पर नियुक्त है। ठीक है, चलिए, और ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ONGC की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कठोरी का हुआ निधन। ठीक है, विक्रम कठोरी का क्या हो गया, निधन हो गया है। ये रोटोमैक कंपनी के मालिक हैं विक्रम कठोरी, और 70 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले थे। ठीक है, ये पान मसाला और रोटोमैक कंपनी दोनों के क्या थे, ये मालिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरप्रीत चंडी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली श्वेत महिला बन गई है। तो 32 ईयर ओल्ड भारतीय मूल के अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी ने दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको क्या है कि पोलर प्रीति के नाम से भी जाना जाता है, पोलर प्रीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओडिशा बना है गंजम, ओडिशा का गंजम जिला जो है बाल विवाह से मुक्त हो गया है। ओडिशा गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला बनाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, जिसमें जिला प्रशासक ने पिछले 2 सालों में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षम किया है। ठीक है, ये क्या करते थे, तो इनका ये था कि जितने भी स्कूल्स में बच्चियां पढ़ती हैं उनके नज़र रखी जाती थी, अगर 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी अगर वो ले लेती थी तो उसको प्रशासन को सूचना देना पड़ता था किस कारणवश ये छुट्टियां ली गई हैं और ये क्यों स्कूल नहीं जा रही हैं। ठीक है, और जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड्स होती थी, जितनी भी शादी होती थी उनका वीडियो रिकॉर्ड्स किया जाता था, क्या कोई बालिका की तो शादी नहीं हो रही है, जो
ठीक है, जो 12 और 18 साल से कम उम्र की, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमिश्योर नाम से भारत ने लॉन्च की है ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने के लिए स्वदेशी किट का, और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, तो थर्मो फिशर किट से हम लोग क्या कर रहे थे, जांच करते थे ओमिक्रॉन की। अभी इंडिया ने खुद जो है स्वदेशी किट जांच लॉन्च कर दी है ओमिश्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसको इस किट को जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी मंजूरी जो है मिल रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नई नियुक्तियां जितनी हुई हैं उसको एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजर डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। तो पंजाब राज्य के नए महानिदेशक डीजीपी कौन बन गए, तो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बन गए। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद बेन सुलेम को बना कर दिया गया है। और वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये कमलेश गांधी को बना दिया गया है, ठीक है। किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो विक्रम मिश्री को बना दिया गया है। सेबी ने MF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आरटी कृष्ण को किया है। मध्य प्रदेश राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राघवेंद्र को किया गया है, राघवेंद्र कुमार सिंह को। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो राधिका झा को किया गया है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो पीएम मोदी को किया गया है, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ किसे बनाया गया है, तो प्रवीण कुमार को बना दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महानिदेशक और विशेष सचिव के लिए नियुक्त किया है चंद्र प्रकाश गोयल को, ठीक है। असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है, तो वायलेट बुआ बरुआ बनी है, ठीक है, वायलेट बरुआ बनी है। पीएनबी बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अतुल कुमार गोयल को किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दुर्गा शंकर मिश्रा को किया गया है, ठीक। दिवस और थीम देख लेते हैं, महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो 27 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस कब मनाया गया है, तो ये भी 27 दिसंबर को मनाया गया है। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 64वां दिवस मनाया है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, तो 1 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस की बात करूं तो ये 4 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। आयोजन कौन कौन से हुए हैं, तो 35वें हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है तानसेन उत्सव का आयोजन, ठीक है। अमित शाह ने किस राज्य में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है भारत दर्शन पार्क का। और राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, तो ये लखनऊ में किया है इन्होंने, ठीक है। बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है, तो ये राज्य राजनाथ सिंह ने किया है। बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है, तो ये भी राजनीति, अच्छा ये डबल दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है, दोबारा रिपीट हो गया। पीएम मोदी ने किस राज्य में सवारा कूड़ा कुरु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन वाराणसी में किया गया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में लोहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। और पीएम मोदी ने किस राज्य में धौला स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर किया है, ये हिमाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है, तो ये सिक्किम ने किया है ऐसा काम, ठीक है। शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये भी राजस्थान में किया गया है। किस राज्य ने ये इको टूरिज्म अभी मैंने बताया था जिससे पहले, तो ये उत्तराखंड में किया गया है, सुराई इको टूरिज्म की बात करें तो, ठीक है। निधन पे आ जाते हैं, तो KS सेतुमाधवन का निधन हो गया है, और वे क्या थे, तो ये फिल्म निर्माता थे, ठीक है। किस देश के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेंसमन टूटू का निधन हो गया, तो दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कहाँ यहाँ थे राजनेता थे, क्या थे वे, राजनेता थे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कोरोलस पापोलिया 92 उम्र की उम्र में उनका निधन हो गया, तो वो ग्रीस के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। किस देश के पूर्व कप्तान रे इंग्लीबर्थ का क्या हो गया, 89 साल ईयर में इंग्लैंड के थे, वो निधन हो गया, ठीक है। खेल समाचार से बात कर लें, किस राज्य में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो यूपी ने जीती है, वो उत्तर प्रदेश ने जीती है। टेस्ट क्रिकेट में बात करें, तो भारत के किस गेंदबाज ने सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया, तो ये मोहम्मद शमी ने बनाया, ठीक है।
किस भारतीय विकेट कीपर ने 26 मैचों में, अभी मैंने जस्ट बताया था 26 मैचों में 100 विकेट लेने का खिताब हासिल कर लिया, तो ऋषभ पंत ने था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो उनका रिकॉर्ड था 36 मैचों में 100 विकेट, ठीक है। चलिए, चौथा पैरा बैडमिंटन और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी, ठीक है, जस्ट ये अभी मैंने ये वाला बताया था आपसे। चलो, विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह बने हैं, ठीक है। इसने भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है, तो ये डॉग प्राइम टेक ने किया है, ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने, AGC ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो ये नासा ने किया है। किस राज्य ने नदियों में, नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है, तो ये गुजरात ने किया। किस देश ने उच्च रेजुलेशन वाला कैमरा उपग्रह युआन 102E लॉन्च किया है, तो ये चीन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है। किस IIT संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है, तो ये IIT कानपुर ने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, PM मोदी ने कितने किलोमीटर लंबी बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना लॉन्च की है, तो ये 356 किलोमीटर लंबी लंबी बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना लॉन्च की है, ठीक है। अमित शाह ने किस शहर में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च की है, तो ये नई दिल्ली में की है। किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। तो किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड बाइकल लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य के महू में क्वांटम लैब की स्थापना की है, तो ये मध्य प्रदेश ने की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नासा ने किस वर्ष में मोटल एस्ट्रॉयड साइके मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये वर्ष 2022 में, ठीक है, करने की घोषणा की है। कुछ पुस्तकें हैं उनको लॉन्च हुई हैं, उनको देख लेते हैं। लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड्स के लेखक कौन हैं, तो ये निर्मल चंद्र विज हैं। लॉन्च पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा पर है, ये फिर रूप राय चौधरी की आत्मकथा पर आधारित है, ठीक है। लॉन्च पुस्तक द मोदी गेम्बिट डिकोडिक मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये संजू वर्मा है। लॉन्च पुस्तक डॉक्टर BL दत्त, ठीक है, ग्लिम्प्स ऑफ अ पाइनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है, तो BL इंद्रा दत्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पुरस्कार थे इनको देख लेते हैं। किसकी पुस्तक कितुसगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है, अनुकृत उपाध्याय ने जीता है, ठीक है। किस बैंक ने बायना नेटवर्क के साथ मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप पुरस्कार जीता है, तो ये फेडरल बैंक ने जीता है। किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को चुना गया है। किस देश ने उच्च रेजुलेशन वाला कैमरा उपग्रह जीवान 102E लॉन्च किया है, तो ये चीन ने किया है। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है, ठीक है। किसने अपना उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड ने अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है 2021, नामित गोखले ने जीता है, ठीक है। किसने अपने उपन्यास अवर्निंग के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 पुरस्कार को जीता है, तो मेघा मजुमदार ने जीता है। किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता है, तो ये दानिश सिद्दीकी ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन से एक छूट गया था बीच में, कौन सा, हाँ, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रोडक्ट 2020 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है, तो ये HDFC बैंक ने जीता है। किसने जीता है, ये HDFC बैंक ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस्तीफा, RBL बैंक के MD और CEO पद से किसे इस्तीफा दिया है, तो ये बिस्बीर आहूजा ने दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये सोमालिया के पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश में खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये न्यूजीलैंड ने की है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि किसने लिए, तो दक्षिण अफ्रीका के हैं क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए लॉन्च योजनाएं, ठीक है, कुछ योजनाएं हैं जो लॉन्च, उनको देख लेते हैं। किस राज्य ने सामाजिक सुधार के उद्देश्यों से समाज सुधार अभियान शुरू किया है, तो ये बिहार ने किया है। और किस राज्य ने कपड़ों के थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन्दुम मंजपई योजना शुरू की है, तो ये तमिलनाडु ने की है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने रंग कोडित कार्य योजना लॉन्च की है, तो ये दिल्ली ने की है, ठीक है।
अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका देश के देश में त्रिकोमाली तेल टैंक, त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को विकसित करने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये भारत के साथ में किया है श्रीलंका ने, ठीक है। भारत सरकार और जर्मन बैंक नियर सूरत मेट्रो के लिए परियोजनाओं के लिए कितना कितने मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये 442.26 मिलियन ऋण जो है पर हस्ताक्षर हुए हैं। आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो ये जून 2020 तक बढ़ा दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मनीग्राम के साथ में इन्होंने समझौता कर लिया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। किस बैंक ने बॉब फाइनेंशियल के लिए भारतीय नौसेना के साथ सैव ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, ठीक है। चलिए, ये एक हफ्ता का पूरा डिटेलिंग चल रहा है, ठीक है, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक 1 वीक के, ठीक है। किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो ये तेलंगाना कर लिया, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज की है? तो ये स्विट्जरलैंड ने की है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये गुड गवर्नेंस में गुजरात जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। FIS 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये ऐसा करने वाला श्रीलंका रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये केरल रहा है, ठीक है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्षों तक रखने के लिए आदेश दिए हैं? तो ये 2 साल का है, ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जितना सर्च करते हैं ना ध्यान से कर लेना सर। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल्स और इंटरनेट इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग उसका रिकॉर्ड जो है वो 2 साल तक रख सकते हैं, ठीक है, 2 साल तक उनके पास ही रहता है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो केरल केरल रहा है। किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये रूस ने किया है। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम ने की है। पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये आलिया भट्ट को चुना है, ठीक है। किस राज्य ने अप्सा AFSPA हटाने की लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? और फर्स्ट थिंग तो ये AFSPA क्या होता है? तो ये AFSPA एक एक्ट है, ठीक है, जो आर्म फोर्स को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। कौन सा एक्ट है ये? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको यही बोलते हैं, ठीक है, थीके? क्या बोलते हैं इसको? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। 1958 में ये बनाया गया था और ये नागालैंड ने इसको हटा। इससे क्या होता है कि इससे जो है स्पेशल प्रोवाइड हो जाती है आर्म फोर्स को, ठीक है, आर्म फोर्स को ये स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है और ये नागालैंड ने इसको हटाने का वो किया है, हटाने के लिए जो है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ठीक। किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? पाकिस्तान को ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 71% कर दिया है, करने का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु ने कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के कौन सा राज्य संस्थापक? तेलंगाना, पीछे भी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रख दिया गया है। झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है। मिशन सागर के तहत किस जहाज के खाद्य सहायता और रक्षा सहायता मोजाम्बिक को पहुंचाई जाएगी? तो INS केसरी पहुंचाई जाएगी, के द्वारा पहुंचाई जाएगी, INS केसरी के द्वारा। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2022 की बात 21 की में किस IIT संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो ये IIT मद्रास को मिला है। चलिए आइए, 1 वीक का जो 1 वीक का करंट अफेयर समाप्त होता है और यहाँ से इससे बाहर कुछ हो जाने वाला, इसको एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर लेना इस वीडियो को। तो ये कंप्लीट आपका करंट अफेयर 1 वीक का तैयार होता है, ठीक है। और डेली वाला रेगुलर हमेशा देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। डेली जैसे चीज़ें हमें कनेक्ट करती हैं तो वो हफ्ते में 1 वीक में जाके अगर हम उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर हमारे माइंड में वो हमेशा रुक जाता है, ठीक है। थैंक यू।